आज की रेसिपी है आलू मटन गोश्त। हमें ज़रूरत पड़ेगी मटन 3 पाव, आलू आधा किलो, प्याज 150 ग्राम, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच, खाने वाला टमाटर 2 अदद, उसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाले नमक हसबे जायका, लाल मिर्च 1 चमचा खाने वाला, गरम मसाला आधा चमचा, हल्दी आधा चमचा, खुश्क धनिया 1.5 चमचा, काली मिर्च आधा चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, ऑयल तकरीबन 200 ग्राम और हरा धनिया और पुदीना गार्निशिंग के लिए। प्याज अदरक और लहसुन को हम एक ही जगह डालकर ग्राइंड कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने पानी रख दिया है यखनी के लिए। इसमें हमने 2 चुटकी हल्दी के डाल दिए है और नमक डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें प्याज और लहसुन डालकर और गोश्त डालकर हम इसको बंद कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट, 10 से 12 मिनट तक सीटी चलने के बाद 10 से 12 मिनट देने हैं, गोश्त जो है वो हमारा पक जाएगा। गोश्त पकने के बाद हम दूसरी साइड पर इसका मसाला तैयार करेंगे और इसे उतार लेंगे। ये गोश्त हमारा रेडी है, पक चुका है और यखनी का पानी हम बचा लेंगे, वो बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हम इसको इसका मसाला तैयार करते हैं। पतीले में हमने ऑयल डाल दिया है, इसमें हम लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के उसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। और जिन बहन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। हम जो भी रेसिपी तैयार कर रहे होते हैं उसे थोड़ा हट के तैयार करते हैं ताकि आम रूटीन की जो तैयार होने वाली रेसिपीज़ होती हैं उससे थोड़ा सा चेंज करें ताकि आपके जो जायका है उसमें तब्दीली पैदा हो जाए। मकसद सिर्फ जायके को बढ़ाना है। प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया, इसमें हमने अब टमाटर का पेस्ट जो है वो डाल दिया है और इसे कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जो मसाले हमारे पास मौजूद थे उसे हम इस मसाले में हम डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ऐसे बगैर पानी के डालेंगे तो वो हो सकता है कि मसाले जल जाएं। तो उसको जलने से बचाने के लिए थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप चाय का जो होता है वो डाल देंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है और हमने इसमें से गोश्त निकाल के यानी मटन निकाल के उसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलू भी हमने 50% जो है वो बॉईल किए हुए थे। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम इसको आलू और इनको 50% बॉयल्ड को आलू को जो है जब हम इसमें मसाले में भुनेंगे तो वो जायका जो है इसका मसाले का जज्ब करेगा और गोश्त को भी गोश्त का जायका भी जो है इसको आ जाएगा। कुछ देर पकाने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसी तरह मसाले में इसको भुना जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो यखनी हमने बचाई थी वो डालेंगे। अभी हमने इस पे हरी मिर्चें डाल दी हैं मसाले में और ये अब हम इसमें
यखनी का पानी जो हमने इसका बचाया था उसे छान कर डाल देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट मजीद पकने के लिए, ये बॉयल हो रहा है और सही तरीके से पक रहा है। अब हमारा आलू मटर का सालन तैयार है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।